हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास है R15 की, ये टॉप मॉडल है और ये इस प्रकार से अपन बेस मॉडल कह सकते हैं, बाकी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर आपको दिखा देंगे। सो यहाँ पे गाइस अपनी यहाँ पे डार्क नाइट एडिशन, इसको मैट ब्लैक भी कहते हैं, बाकी इसका बाइक का मॉडल नेम है डार्क नाइट, और यहाँ पे मेटेलिक ग्रे R15M इसको कहते हैं, इसको R15V4 कहते हैं। तो इसका अपन थोड़ा सा शॉर्ट में कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या फीचर है ज़्यादा और इसमें क्या है टॉप वर्सेस बेस। बेस इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें एक चीज़ आगे वीडियो देखे, किक शिफ्टर नहीं आता, इसलिए इसको बेस कहते हैं, बाकी इसको टॉप कहते हैं बिकॉज इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं आगे जो देख के आपको पता चलेगा, फिर दिखाते हैं। गाइस आगे आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करिए इसका बाइक का। गाइस यहाँ पे थोड़ी एक चेंज हो चुका है बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं अपनी दूसरी गाड़ी आ गई है, दोस्त की थी वो स्टॉक वाली, थोड़ी भाई को लेट हो रहा था, वो चली गई थी, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए बिकॉज इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन है, इसमें पूरी गाड़ी मॉडिफाइड है, देख सकते हैं यहाँ पे आगे मिरर निकला हुआ है और यहाँ पे पीछे मडगार्ड पूरा रिमूव है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, नई वाली में है, सब सेम है। तो कंपैरिजन इसका भी करते हैं जल्दी से। गाइस फ्रंट्स देख सकते हैं, बाकी दोनों बाइक का लुक सेम है, ये थोड़ा इसमें बबल वाइजर लगा है, बाकी सिनेमैटिक में लिए थे तो वो वाली गाड़ी आपको लगा देंगे, बाकी यहाँ पे फ्रंट से दोनों का सेम पूरा, बस इसमें डिफरेंस ये है अपने को, इसमें मिरर रिमूव है और नंबर प्लेट होल्डर लगा है और इसमें बबल वाइजर लगा है, तो अपने को सामने से थोड़ी वही बताया ना, स्टॉक वाली गाड़ी जो चली गई है। फ्रंट से सिर्फ कलर डिफरेंस बाइक का है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में सेम DRL मिल है और LED प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो दोनों में 100 सेक्शन का टायर प्रोफाइल भी दिया गया है, डिस्क ब्रेक साइज दोनों में सेम दिया गया है, दोनों में ये ABS दिया गया है। फ्रंट से अपन ओवरऑल कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा साइड से दिखा देते हैं, साइड से अपने को USD फोक्स दोनों में दिए गए हैं, R1 बेस वर्सेस टॉप है, यानी ये टॉप मॉडल बाइक है, बेस मॉडल अपन इसको कहेंगे, सेम पूरा सेम एसिटीज पूरा दिखाया गया है, पूरा थोड़ा सा आपको कहाँ पे चेंज है वहाँ पे दिखाएंगे आपको सीधा। सो दोनों में ही गाइस में 155 cc, बाकी सब इंजन आपको सेम मिले, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं 155 cc का इंजन मिलेगा आपको VVA टेक्नोलॉजी के साथ, दोनों में ही 18.4 PS का पावर मिलेगा और 14 Nm का टॉर्क मिलेगा। बाकी अब चलते हैं सीधे अपन, मेन क्या मिलेगा इसमें, इसमें अपने को क्विक शिफ्टर मिलेगा इसमें, और रेसिंग ब्लू जो ब्लू वाली आते हैं उसमें बस अपने को क्विक शिफ्टर मिलता है, बाकी लगवाने को अपन इसमें भी लगवा सकते हैं, बट इसमें अपने को एडिशनल 2-3-4 हज़ार रुपये मांगते हैं, वो मेरे को अच्छे से ज़्यादा नहीं पता है, बाकी कलर डिफरेंस है। इन दोनों का वेट है 142 kg और सीट हाइट अपने को 815 mm की सीट हाइट दोनों की मिलेगी, सेम सीट हाइट है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा और अपने को 170 का यानी 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, बाकी कमेंट में आप लोग फिर लास्ट में बताइएगा। इसका भी कलर अच्छा लग रही है, R1 जो सुपर बाइक आती है ना R1M, यानी उसके जैसा पूरा लुक इंस्पायर है, और ये अपना इसका भी लुक अच्छा है, version 4 है, इसमें ब्रांडिंग लिखी है, इसमें अपने को गोल्डन अलॉय व्हील मिलेंगे और इसमें ब्लू मिलेगा, बाकी दोनों अच्छा, मेटेलिक ग्रे इसका नाम है, डार्क नाइट एडिशन नाम है। अब चलते हैं मेन इसमें आता क्या है, इसमें फ्रंट से यहाँ से देख सकते हैं अपने को LED इंडिकेटर आएगा, कलर डिफरेंस तो मॉडल के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे अपने को देख सकते हैं टॉप मॉडल में LED आएगी और इसमें बेस मॉडल में LED नहीं, हैलोजन आते हैं, बस यही फ़र्क था। और यहाँ पे क्विक शिफ्टर आता है, यहाँ ये देख सकते हैं अपन, यहाँ पे क्विक शिफ्टर की मशीन लगी है जो भी होता है, और यहाँ पे क्विक शिफ्टर नहीं लगा, सिंपल क्विक शिफ्टर है। क्विक शिफ्टर से क्या होता है कि अपन विदाउट क्लच भी इजिली अपना स्मूथनेस यानी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है शिफ्टिंग में,
और मडगार्ड इसमें सेम एस इट इज रहता है। सिनेमैटिक लिए थे नई वाली बाइक का तो उसका दिखा देंगे। यहाँ पे भाई पूरा मॉडिफिकेशन कराए हैं और मेन डिफरेंस अपने को यहाँ पे अब असली खेल शुरू होता है। यहाँ पे दिखाते हैं फिर आपको। यहाँ पे अपन को सिंपल LCD डिस्प्ले मिलेगा सिंपल, और यहाँ पे पूरा TFT स्क्रीन मिलेगा जो ड्यूक 390 में आता है। काफ़ी प्यारा लगता है, दिखाते हैं आपको। सिर्फ यही मेन चीज़ था। और यहाँ पे अपने को स्विचेस मिलेंगे, यहाँ पे मैन्यू स्विचेस मिलेंगे और यहाँ पे सिंपल कोई ऑपरेटिव यानी स्विचेस नहीं मिलेंगे। चलते हैं अपन, दिखाते हैं, यही मेन डिफरेंस था। सो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार आपको दूर से दिखाते हैं। सिर्फ यही चीज़ का फ़र्क है अपने को बाइक में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलरफुल TFT डिस्प्ले है और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है। इसके फिर इंफॉर्मेशन दिखाते हैं और इसकी दोनों की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। और यहाँ पे मेन्यू बार्स देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे तीन मेन्यू बार्स दिए गए हैं, स्विचेस दिए गए हैं, मेन्यू स्विचेस, यहाँ पे स्विचेस नहीं दिए गए हैं। मेन डिफरेंस यही था TFT का और LED, सबसे ज़्यादा यही डिफरेंस है। और प्राइजिंग की बात करते हैं तो ये अपनी भाई ने जब लिया था 2022 की लिया था, और यहाँ पे भाई ने कितने के लिए था ब्रो आपने? 2.35 की हार्ड कैश में रीवा की ऑन रोड प्राइस, ये अभी 1 जनवरी को लिए गए हैं। बाकी अभी आप लोग सर्च कर सकते हैं, वो कभी कभी घटते बढ़ते रहते हैं। अब दिखाते हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा ब्लूइश फिनिश दिया गया है। यहाँ पे R15M की बैचिंग दी गई है यहाँ पे, और यहाँ सिल्वर कलर का दिया गया है। बाकी हैंडल बार्स दोनों सेम दिए गए हैं पूरा। दिखाते हैं अब आपको इस कंसोल इसका, यहाँ पे दोनों में ही ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉल का दिखा रहा होगा आपको दूर से। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको मीटर कंसोल। सो यहाँ पे R15 लिखता है यहाँ पे पूरा, और ट्रैक और स्ट्रीट मोड आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, Trip 1, Trip 2। यहाँ पे हज़ार ऑन ऑफ करने के लिए ट्रिप इन्फो भी दिया गया है यहाँ पे। दो नहीं यार, इसमें तो नहीं दिया गया, ये एक चीज़ और दिखाया गया इसमें ट्रिप इन्फो, यानी यहाँ पे स्विचेस यहाँ से देख सकते हैं ट्रिप इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑपरेट करने के लिए। देखिए इससे ऑपरेट होगा यहाँ पे लिखा, इसमें नहीं दिया गया यार, ये थोड़ा कमी चीज़ लगी। शायद इसमें यहाँ से दिया गया होगा, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे अपने को अपर डिपर के लिए यहाँ पे बटन दी गई है, R15M में बोल रहे हैं, और R15M में यहाँ पे डिपर नहीं दिया, इसी में दिया गया। ये सब चीज़ छोटे छोटे चेंजेस दिए गए हैं, बाकी तो मुझे ओवरऑल कुछ नहीं लगा। क्विक शिफ्टर तो बता दिया है। कंसोल यहाँ पे दिखाते हैं, ट्रिप इन्फो, ट्रिप वन, Trip 2, F1, ये फ्यूल के बार्स, यहाँ पे डबल हज़ार, ट्रैक्शन कंट्रोल, बैटरी लेवल, RPM, टाइम सब दिखाता है इसमें। यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर। अब चलते हैं गाइस, छोटा सा कंपेरिजन था तो इसमें अब R15M में जाते हैं, R15M में। गाइस इसका स्क्रीन भी काफ़ी बड़ा दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये पुरानी वाली का है, उतना ही नहीं, उतना थोड़ी सी उससे बड़ा लग रहा है मुझे। अब इसका TFT कलरफुल डिस्प्ले ऑन करते हैं। देखिए ये देखिए, यामाहा ब्लैक कलर में, यहाँ पे पूरा एकदम ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, टाइम, RPM, VVA टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फ्यूल के बार्स भी दिखा रहे हैं पूरा, कलरफुल डिजिटल स्पीड यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं सेटिंग में क्या दिखता है इसमें ज़्यादा। यहाँ अच्छा लैप टाइमर दिया गया है, 0 किलोमीटर यहाँ पे टाइमर दिया गया है, और ये सब सिर्फ एक चीज़ बस अच्छी दी गई है यहाँ, लैप टाइमर, कोई मुझे तो कुछ खास चीज़ नहीं लगी। और सेटिंग में जाके देखते हैं, यहाँ से सेटिंग हो ही नहीं रही, एवरेज, लेटेस्ट, फास्टेस्ट। या अच्छा, यहाँ से पूरा स्विचेस इसके इस यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं, जैसे ये वाले अपनी R15 में यहाँ से दिखता है ट्रिप इन्फो। तो Trip 1, Trip 2, ओडो यहीं से दिखता है, और ऊपर करंट, फ्यूल, एवरेज, बोल्ट, कूलेंट, टेम्परेचर, यानी ये दोनों बटन से अपना ऑपरेट होता है। जो ज़्यादा अपने को इसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती ट्रिप इन्फो, बस ब्लैक एंड वाइट भी हो जाती है, यानी ब्लैक स्क्रीन भी हो जाएगी। सेटिंग से अब पता नहीं, मुझे तो अच्छे से पता नहीं चल रहा, सेटिंग शायद छेड़ते हैं थोड़ी बहुत, यहाँ पे नहीं हो रहा है गाइस, जिनकी बाइक है उनसे पूछते हैं। बाकी ये ब्लैक स्क्रीन भी हो जाती है, शायद डे नाइट वाला सिस्टम हो। बाकी एक भैया की बाइक में किया था मैंने। गाइस अब मेन कंक्लूजन है, बस एक प्राइस का फ़र्क है और इसमें अपने को TFT स्क्रीन मिल जाती है, बाकी इसमें इंडिकेटर तो अपन आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं बस। हाँ, TFT स्क्रीन ज़्यादा अच्छी प्रीमियमनेस लगती है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपके ऊपर है, आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। यही था रिव्यू गाइस, ये टॉप मॉडल
और यहाँ पे बेस मॉडल इसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है, उसको भी अपन कंपनी से लगवा सकते हैं, बोला तो था बंदे की लगवाने को। बाकी क्विक शिफ्टर वाली गाड़ी सिर्फ दो ही आती है, एक रेसिंग ब्लू आती है और ये वाली जो मेटेलिक ग्रे आती है, इसको R1M अभी नई लॉन्च हुई, यानी इसकी एक और वर्जन आ गई। अगर आप R15M लेंगे तो अपने मोटो GP एडिशन भी R15M आने लगी है। यही था गाइस व्लॉग, अच्छा लगा तो ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है आप कौन सी बाइक ले सकते हैं। ये 2,22,000 की कैसन पड़ी थी, ये 2,35,000 की अभी 2024 1 जनवरी को बाइक ली गई, कैश की बता रहा हूँ, बाकी आपके प्राइस सिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है।